So very good morning to all of you today. Chain stores or multiple shops, which are also commonly referred to as, which are, you know, owned and operated by an owner or intermediary, okay? And it has its branches all over the place. So iske humne bete features discuss already kar liye the. Let us discuss the advantages of multiple shops. First advantage, economies of scale. So economies of scale का मतलब क्या होता है? कुछ benefits जो कि एक firm को मिलते हैं क्योंकि उसका जो size है वो large है, ठीक है? वो large scale पे operate करते हैं, इसीलिए उनको कुछ benefits मिलते हैं. तो ये जो benefits हैं, यानी कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं, ये मल्टीपल शॉप्स को भी मिलती हैं. क्यों मिलती हैं? क्योंकि बेटे देयर इज अ सेंट्रल प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है? ये जो मल्टीपल स्टोर्स हैं, ये कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओनर है, उन्होंने अपने आउटलेट्स सेटअप किए हुए हैं जो कि वो खुद ओन करते हैं या कोई इंटरमीडिएरीज उनको ओन या ऑपरेट करती हैं. तो इनका जितना भी जो मर्केंडाइज है वो ओनर से, यानी एक ही जगह से आता है, ठीक है? सो नेचुरली दे वुड एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल. सब मल्टीपल शॉप्स पे या चेन स्टोर पे उनका सामान जा रहा है तो ऑब्वियसली दे प्रोड्यूस इट ऑन लार्ज स्केल एंड दे सेंट्रली प्रोक्योर इट एंड दस दे एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल. नेक्स्ट, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन. बेटे मिडलमैन की एलिमिनेशन सबसे पहले एडवांटेज कैसे है? जितने ज्यादा मिडलमैन होते हैं उतना हमारा प्रॉफिट एप्रोप्रिएट हो जाता है, ठीक है? जितने मिडलमैन आएंगे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में उतना मार्जिन ऐड होता जाएगा और उतना ही कोई ना कोई जो भी गुड है वो उतना ज्यादा यू नो मार्जिन ऐड करके उसकी प्राइस जो है हाई होती जाएगी और कंज्यूमर को हाई प्राइस उसके लिए पे करना पड़ता है, ठीक है? लेकिन जो मल्टीपल शॉप्स होते हैं उसमें मिडलमैन एलिमिनेट हो जाता है. कैसे? बेटे दीज आर ओन डायरेक्टली बाय दी ओनर्स, ठीक है? ये जो चेन स्टोर्स हैं ये ओनर्स के हैं, ये डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं. इनका जो मर्केंडाइज है वो ओनर डालता है, सारा मर्केंडाइज जो है ओनर से ही आता है. जैसे बाटा की अगर हम बात करें, ठीक है, बाटा की जितने भी चेन स्टोर्स हैं आप उनका सारा वहां पर सब बाटा का मर्केंडाइज होता है और बाटा मैन्युफैक्चरर उनको डायरेक्टली भेजता है. सो विच देयर इज नो इंटरमीडिएरी, नो मिडलमैन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर. बाटा अपने डायरेक्टली आउटलेट्स में भेज देता है जहां से कंज्यूमर ले लेता है, तो जो प्रॉफिट है वो ज्यादा एड नहीं होता, यानी प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते हैं. सो इन दिस वे दे आर एबल टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मिडलमैन इन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? नेक्स्ट है बेटे, नो बैड डेट्स. अब यहां पर जो सेल्स हैं वो कैश बेसिस पर ही होती हैं. आप सोचो आप कभी किसी ऐसे आउटलेट पे गए हो बाटा के या रीबॉक के या नाइकी के या स्केचर्स के, ठीक है, या किसी और भी चेन आउटलेट्स पे गए हो और आपने कहा हो कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे अकाउंट पे लिख लीजिए, मैं एट द एंड ऑफ द मंथ दे दूंगा, और उसने कहा हो नहीं ठीक है. ऐसा नहीं होता बेटे, यहाँ पर सारी जो सेल्स हैं वो कैश बेसिस पर होती हैं, ठीक है? तो क्योंकि डेली इनको अपना अकाउंट भेजना होता है कि कितनी हमारी सेल्स हुई है और उस सेल्स का उनको रिकॉर्ड शो करना होता है या कैश या अपने उनके अकाउंट में. अगर कस्टमर ने कैश पेमेंट की है तो इनको ये कैश अपना मार्जिन रख के जितना भी कैश है वो बैंक में जमा कराना होता है डेली, और अगर कस्टमर ने डेबिट कार्ड से की है तो ऑलरेडी वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. इसीलिए कैश बेसिस पर, क्योंकि सारी की सारी सेल्स होती हैं, तो इसका फायदा क्या है कि इनको कोई भी बैड डेट के चांसेस नहीं है. आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, समझते हैं बैड डेट्स, ठीक है? कोई भी आपका डेट जो है वो बैड नहीं होगा, यानी कोई भी कल को अपने आपने किसी को उधार दिया हो डेट पे पेमेंट, आप कोई गुड हो और वो रिफ्यूज कर दे पेमेंट करने को, तो इसको बोलते हैं बैड डेट्स.
ठीक है, यहाँ पर देर आर नो चांसेस ऑफ बैड डेट्स. सो अगेन दिस इज एन वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल शॉप्स. नेक्स्ट है बेटे ट्रांसफर ऑफ गुड्स. The goods not in demand in a particular locality may be transferred to the another locality where it is in demand. अब जैसे supposing Woodland का showroom है, आप Model Town में गए, आपको कोई product चाहिए है, आपको वहां पर नहीं मिल रहा, आप दूसरी जगह MBD Woodland के showroom में चले जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा. तो ऐसा होता है क्योंकि एक ही, जैसे जलंधर है, जलंधर में दो तीन वुडलैंड के शोरूम है, दो तीन बाटा के हैं, स्केचर्स के हैं, मतलब एक से ज्यादा होते हैं नॉर्मली. और अगर एक लोकेलिटी में एक भी है तो लुधियाना में तो जरूर होगा, एक अगर जलंधर में वुडलैंड का तो दूसरा लुधियाना में जरूर होगा. तो कई बार क्या होता है, किसी पर्टिकुलर गुड की डिमांड एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में नहीं होती है. लुधियाना में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है, कोई मॉडल वो नहीं चल रहा है, लेकिन जलंधर में उसकी डिमांड है. तो ये आपस में शफल कर लेते हैं अपने गुड्स. लुधियाना वाला अपना सामान जलंधर में भेज देता है, जलंधर वाला अपना सामान जो है वो लुधियाना में भेज देता है. इससे क्या होता है बेटे, जो डेड स्टॉक का रिस्क है ना, वो कम हो जाता है. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेड स्टॉक? डेड स्टॉक माने कोई भी आपका स्टॉक जो बिक ही नहीं रहा, बहुत देर हो गई है पड़े, महीने से ज्यादा हो गया, दो महीने हो गए, तीन महीने हो गए, आपका ये जो मॉडल है डिमांड में ही नहीं आ रहा है. देन यू कम टू नो कि हाँ ये लुधियाना में इसकी डिमांड है और लुधियाना में इसकी शॉर्टेज चल रही है. यू कैन सेल इट और सेंड इट टू द शोरूम इन लुधियाना एंड दस यू कैन अवॉइड द चांसेस ऑफ डेड स्टॉक, राइट? ओके, सो इन दिस वे यू कैन यू नो डिफ्यूज द रिस्क. ओके, नेक्स्ट पॉइंट बेटे, diffusion of risk. The losses incurred by one shop may be covered by profits in another shop, reducing the total risk of an organization. अब बेटे अगर आपकी एक ही ब्रांच होगी तो अगर वो प्रॉफिट में जा रही है तो आपको प्रॉफिट्स हैं, अगर लॉसेज में जा रही है तो आप यू विल बी सफरिंग लॉसेज. लेकिन मल्टीपल शॉप्स में क्या होता है, ओनर अपने गुड्स को अलग अलग शॉप्स के थ्रू बेच रहा है, ठीक है? तो अब लेट अस से कि एक शॉप में लॉसेज जा रहे हैं, एक लॉस एक ब्रांच में सपोज करो महीने का 1 लाख का नुकसान हो रहा है, वेयर एज दूसरी ब्रांच में 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है. तो आप ओवरऑल अपना देखोगे क्या है, प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो. तो अगर एक शॉप में 1 लाख का लॉस जा रहा है, दूसरे में 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो यू विल नॉट बॉदर. आप बोलोगे मेरा टोटल रिस्क जो है, जो मेरा टोटल आ रहा है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट हो रहा है आपको, 4 लाख का नेट प्रॉफिट हो रहा है. तो इस तरह से एक जो शॉप के लॉसेस हैं, जो एक शॉप लॉसेस इनकर कर रही है, वो दूसरी शॉप के प्रॉफिट से अगर कवर हो जाते हैं, और जनरली ऐसा होता है क्योंकि आपके मल्टीपल शॉप्स हैं, ठीक है? तो इन दिस वे योर रिस्क इज डिफ्यूज्ड, आपका रिस्क जो है वो डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है. सो दिस इज अदर एडवांटेज ऑफ मल्टीपल शॉप्स. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, लो कॉस्ट. सो बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, सेंट्रलाइज्ड प्रमोशन ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज्ड सेल्स, द मल्टीपल शॉप्स हैव लोअर कॉस्ट ऑफ बिजनेस. सो बेटे हर एडवांटेज है मल्टीपल शॉप्स को. पहली बात, सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग हो रही है. सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग समझते हो, एक ही जगह से आप गुड्स खरीद रहे हो, आपको एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे, एक ही व्हीकल पे सारे के सारे गुड्स आ रहे हैं, आपका मर्केंडाइज एक ही जगह से आ रहा है, आपको अलग अलग यू नो होलसेलर से कॉन्टेक्ट करके अलग अलग चीजें मंगवा नहीं रहे हो अलग अलग जगह से. यू आर हैविंग सेंट्रलाइज्ड purchasing, then middleman is also eliminated, then promotion of sales is also being centralized. अब बाटा शोरूम जो है वो खुद अपनी नहीं ऐड करता है, बाटा मैन्युफैक्चरर ही ऐड करता है, जिसका एडवांटेज बेटा बाटा का शोरूम लेता है, ठीक है? तो सेंट्रलाइज्ड यू नो
प्रमोशन हो रही है, उसको अपनी शॉप की प्रमोशन करने की जरूरत नहीं है। बाटा जब अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट करता है, प्रमोशन करता है, तो ऑटोमेटिकली उसके शोरूम की ही प्रमोशन हो रही है। तो इसका मतलब सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट हो रही है, मिडलमैन एलिमिनेट हो गया, मिडलमैन का मार्जिन चला गया और सेंट्रलाइज्ड प्रमोशन हो रही है। सो ये दी ऑल दीज आर द पॉइंटर्स टुवर्ड्स द लोअर कॉस्ट। सो इसका मतलब मल्टीपल शॉप्स एक ऐसा बिजनेस है जिसका कॉस्ट जो है वो कम रहता है, राइट? ओके, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ इफ द शॉप इज नॉट ऑपरेटिंग एट अ प्रॉफिट, द मैनेजमेंट मे डिसाइड टू क्लोज इट और शिफ्ट इट टू सम अदर प्लेस विदाउट रियली अफेक्टिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। सो इमेजिन आपका एक ही शॉप है, तो अगर वो लॉसेस में चली जाती है तो आपको उसको बंद करना पड़ेगा, एंड यू नो आपको क्लोज करते हुए यू विल हैव टू थिंक ऑफ से यू नो कि किस तरह से आप अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यू विल बी यू नो हैवीली बॉदर्ड कि अब आपके ये बिजनेस बंद हो गया है, लॉस में जा रहा है, इसको अगर बंद करते हैं तो भी नुकसान होता है, नहीं बंद करते हैं तो भी नुकसान होता है। लेकिन मल्टीपल शॉप्स में क्या होता है, अगर कोई पर्टिकुलर शॉप प्रॉफिट्स में नहीं जा रही, बहुत सालों से लॉसेस इनकर कर रही है, तो मैनेजमेंट को उसको बंद करते हुए कोई ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा। मैनेजमेंट इसको बंद भी कर सकती है और उसको कहीं और जगह पर भी शिफ्ट कर सकती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं, बिकॉज मैन्युफैक्चरर इज हैविंग मल्टीपल शॉप्स बेटे। उसकी इंडिया में 100 से ज्यादा शॉप्स हैं, अगर एक शॉप बंद भी हो जाती है तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती है, ठीक है? दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ चेन स्टोर्स। नाउ लेट अस सी द डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ मल्टीपल शॉप, दैट देयर इज अ लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स। मल्टीपल शॉप्स जो हैं बेटे, दे जनरली डील इन लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है? स्पेशली वो चेन स्टोर्स विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर्स एंड एज सच मोस्टली सेल द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देमसेल्व्स। दे डू नॉट सेल द प्रोडक्ट्स ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर। चेन स्टोर कहते ही उसको हैं बेटे विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो अगर आप बाटा के शोरूम में जाएंगे तो आपको बाटा के प्रोडक्ट्स ही मिलेंगे और वही प्रोडक्ट्स जो बाटा बनाता है, ठीक है? तो आपको वही लिमिटेड वैरायटी मिलेगी, आपके पास लिमिटेड चॉइस है प्रोडक्ट्स की। लेकिन अगर आप किसी और शॉप में चले जाते हैं तो यू मे इंजॉय वैरायटी। सो कस्टमर के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो कस्टमर को बहुत ज्यादा वैरायटी चेन स्टोर्स में नहीं मिल पाती है, तो वही कस्टमर जाता है इन स्टोर्स में जिसने माइंड बनाया हुआ है कि हाँ इसको इसी ब्रांड का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है? अगर आपको सोचा हुआ है स्केचर्स के शोरूम शूज लेने हैं या वुडलैंड के लेने हैं तो वही कस्टमर जाएगा। बट इफ यू वांट फॉर द वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन यू मे यू नो हैव टू वेट फॉर just give me a second bit. Okay, so we wouldn't be getting much of the variety. Consumer would get only a limited choice of goods. ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे chain stores भी होते हैं बेटे जो retailer owned होते हैं, ठीक है? जैसे कि Big Apple और Lions Retail, which sell products of large number of मैन्युफैक्चरर। ये अब नया एक कॉन्सेप्ट आया है, पहले तो जनरली यही होते थे कि मैन्युफैक्चरर्स ओन करते थे, अभी रिटेलर ओन्ड चेन स्टोर भी आ गए हैं, ठीक है? तो जैसे अब मोर है, ठीक है, इजी डे है, ये सब रिटेलर ओन्ड चेन स्टोर्स हैं। आपको कैसे पता चलेगा ये चेन स्टोर है? आप किसी भी सिटी में चले जाओ, आपको ये स्टोर्स सेम नाम के स्टोर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि मोर है, बिरला ओन्ड है ये, ठीक है, रिलायंस है तो ये रिलायंस ओन्ड है, इजी डे है। आप जलंधर, लुधियाना, महाराष्ट्र, जहां भी चले जाओ यू विल कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ स्टोर्स। सो बिकॉज यू कैन सी नंबर ऑफ दीज स्टोर्स
In your country, these are chain stores. Now, if these are owner-owned, manufacturer-owned, like Bata, Woodlands, Skechers, Hush Puppies, Reebok, Pepe, ठीक है, Adidas, ये इनमें limited variety मिलेगी. On the other hand, अगर ये retailer owned है, जैसे कि Reliance हो गया, More हो गया, ठीक है, Easy Day हो गया, Big Bazaar हो गया, तो यहाँ पर ये हर producer के large number of producer के products को में deal करते हैं, ठीक है. So next आते हैं बेटे, lack of initiative. So ये जो multiple stores हैं बेटे, these have to follow the instructions of the head office, क्योंकि इनको manufacturer ही own कर रहा है. head office में जो head office ही इनकी strategies बनाता है, और जो strategies बनती हैं वही इनको follow करनी पड़ती हैं, ठीक है. So they always have to look up to the head office for the guidance on all matters. ठीक है, they have it takes away their initiative. कोई भी initiative, कई बार ऐसे होता है जैसे season, winter season जल्दी खत्म हो गया, तो कोई भी shopkeeper जो autonomous है, independent है, जिसको कोई operate नहीं कर रहा है, वो खुद अपनी decisions लेता है, और उसको लगता है कि अरे season तो जल्दी खत्म हो गया, मेरे पास तो इतना सामान पड़ा हुआ है, मैं कैसे बेचूंगा. तो वो 20% डिस्काउंट ऑफर करने लग जाता है अपने कस्टमर को, तो उसको कस्टमर पढ़ने शुरू हो जाते हैं, लोग आने लग जाते हैं उसको, और उसका जो है सेल्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है. ऑन द अदर हैंड उसका नेबरहुड है, नेबरहुड जो है लेट अस से वुडलैंड अपैरल्स है, तो वो सेल नहीं लगा सकता अनटिल एंड अनलेस उसको हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस आए. तो वो चाहता भी है कि वो सेल लगा दे, कि कस्टमर तो साथ वाली शॉप पे जाई जा रहा है, हमारे पास कोई आ नहीं रहा है, लेकिन उसको हेड ऑफिस के ऊपर ही देखना पड़ेगा. फॉर ऑल दी दे विल हैव टू फॉलो ऑल दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ दी हेड ऑफिस, सारी स्ट्रेटजीज वही बनाते हैं, और उनको इतनी को हैबिट पड़ जाती है हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करने की, कि उनका जो अपना इनिशिएटिव होता है ना, यू नो, they don't make use of their own creative skills to take any kind of initiative to promote their sales. So this is one of the limitation for, you know, this not from customer's viewpoint. Customer's viewpoint se bhi limitation hi keh sakte ho, lekin from their own viewpoint is again it's a limitation. Theek hai, the next hai beta lack of personal touch. So, क्योंकि उनको खुद वो इनिशिएटिव ले नहीं सकते हैं, तो इसीलिए वो यू नो इनडिफरेंट हो जाते हैं, एक पर्सनल टच नहीं रहता है उनमें. आप कई बार देखना ऐसी शॉप्स पे जाके, समटाइम्स द यू नो इवन द सेल्समैन दे लीस्ट बॉदर्ड कि आप प्रोडक्ट लेते हो या नहीं लेते हो. ऑन द अदर हैंड अगर आप और इंडिपेंडेंट शॉप्स में जाते हो, तो वहां पे जो शॉपकीपर होता है वो खुद इंटरेस्ट लेता है, उसको होता है कि मेरे पास जो कस्टमर आ रहा है वो प्रोडक्ट जरूर खरीदे, ठीक है, और वो आपको कई बार डिस्काउंट भी ऑफर कर देता है आपको, ताकि सेल्स कर सके गुड्स की. बट ऑन द अदर हैंड मल्टीपल शॉप्स जो होती हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं ये इनमें इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं, जिस करके वो इनडिफरेंट हो जाते हैं और वो पर्सनल टच नहीं शो करते हैं. राइट, देन बेटे नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड. नाउ इफ द डिमांड फॉर द मर्चेंडाइज हैंडल्ड बाय द मल्टीपल शॉप्स चेंज रैपिडली, द मैनेजमेंट मे हैव टू सस्टेन ह्यूज लॉसेस बिकॉज ऑफ लार्ज स्टॉक्स लाइंग अनसोल्ड एट द सेंट्रल डिपो. सो ये जो मल्टीपल स्टोर्स होते हैं बेटे, इनके जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, है ना, क्योंकि उनको पता है हमने जितनी भी प्रोडक्शन है वो अपनी मल्टीपल स्टोर्स में भेज देनी है. लेकिन अगर इनकी जिस प्रोडक्ट में ये डील करते हैं वो इस तरह का प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड रैपिडली चेंज हो जाती है, तो उस केस में जब वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं और गुड्स की डिमांड चेंज होने लग जाती है, they may have to sustain huge losses,
Reason being that there is a large stock lying unsold with them. ठीक है, so again this is a limitation that immediately उनको अपने product change नहीं कर सकते according to changes in demand. So it means Ramneek Singh, you are बेटे coming so late in the class. What happened? What happened? All right. So immediately वो अपने product को change नहीं कर सकते हैं. Immediately तो कोई भी नहीं कर सकता. But because they are having multiple stores, so they have produced on you know large scale. तो उनके पास इतने stock पड़े हुए हैं. अब multiple stores ने कह दिया कि भी इनकी तो demand ही नहीं है. तो उस case में उनको बहुत ज़्यादा loss sustain करना पड़ेगा. ठीक है, so far we have studied about two fixed shop retailers, large fixed shop retailers, one being departmental store and another being multiple shops. ठीक है, now let us see what are the differences between two of them. आपने भी दोनों के बारे में study की है. Can any one of you tell me क्या difference है दोनों में? Basic difference दोनों का क्या है? Purav, what is the basic difference between departmental store and multiple shops? Okay, no reply I got. Dipanshu, what is the basic difference between multiple shops and chain stores? Again, no response. Harshika? Yes, ma'am. Kya difference hai bete departmental and multiple shops mein? Ma'am, jo departmental the departmental stores could be found at a particular place or city, but whereas the multiple shops or chain stores are can be found all over the place by the same name. बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में बेटे? बेसिक, ये तो आपने चलो पहला पॉइंट लोकेशन का पढ़ दिया. बेसिक डिफरेंस क्या है? आपको कैसे पता चलता है कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, ये चेन स्टोर है? लोकेशन से थोड़ी ना पता चलता है. डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो काफी सारी चीजों में डील करता है, पर चेन स्टोर कभी कभी जो है पर्टिकुलर गुड्स में डील करता है. अगर जैसे मैन्युफैक्चरर बेस्ड कोई चेन स्टोर है, जैसे बाटा का एग्जांपल था, तो वो सिर्फ शूज में ही डील करेगा. ओके, राइट. ओके, एनीवन एल्स बेटे? सो डिपार्टमेंटल स्टोर बेसिकली बेटे उनका पर्पस क्या होता है कि हमें कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है, सारी नीड्स को सेटिस्फाई करना है under one roof. They sell different kind of products under different departments, but again under one roof. लेकिन chain store तो है, उनका ऐसा कोई aim नहीं होता है कि हमने customer की सारी needs को satisfy करना है. They aim at satisfying the requirements of customer relating to the specified range of their products only. ठीक है, तो अगर कोई भी एक वुडलैंड का शोरूम है तो उसका पर्पस क्या है कि कस्टमर को वुडलैंड के प्रोडक्ट्स, चाहे वो शूज हैं, चाहे वो अपैरल्स हैं, उनको यू नो बेचना. उनका ऐसा कोई एम नहीं होता है कि कस्टमर की सारी नीड्स को हमने सेटिस्फाई करना है. सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट, बेसिक डिफरेंस यही है. फिर लोकेशन की हम बात कर सकते हैं. जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसका पर्पस होता है लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, सो दे आर जनरली लोकेटेड एट अ सेंट्रल प्लेस. लेकिन जो मल्टीपल स्टोर्स हैं बेटे, दे आर लोकेटेड एट यू नो नॉट नेसेसरली एट अ सेंट्रल प्लेस. वहां पर किसी भी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो शॉपिंग मॉल होता है, जैसे जहाँ पे कस्टमर्स जो हैं लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर वो अट्रैक्ट कर सकें. लेकिन सेंट्रल लोकेशन होना जरूरी नहीं है. देन departmental store, they lay emphasis on providing maximum services to the consumers.
हमने पढ़ा था ना डिपार्टमेंटल स्टोर जो है इनका मेन पर्पस होता है कि हम ऐसे लोगों को केटर करते हैं जो कि सर्विस चाहते हैं. दे डोंट माइंड पेइंग हायर प्राइस बट व्हाट दे वांट इज अ गुड सर्विस. यस, सो रेस्टोरेंट्स की सर्विस, रेस्ट रूम की सर्विस, टेलीफोन बूथ की सर्विस, होम डिलीवरी की सर्विस ऑफर करते हैं. ठीक है, वेयर एज जो चेन स्टोर्स हैं उन वो ऐसी कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते. देयर यू नो सर्विस इज कन्फाइंड जस्ट टू द गारंटीज एंड रिपेयर्स एंड दैट टू इफ द सोल्ड आउट आर्टिकल यू नो टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव. ओके, सो प्राइसिंग, मल्टीपल शॉप चेन सेल गुड्स एट फिक्स प्राइसेस and maintain uniform pricing policies for all these shops. पहली बात तो ये fixed price पे बेचते हैं multiple shops. फिर हर shop पे जो इनकी pricing है वो uniform रहती है. आप चाहे model town के showroom में चले जाओ बाटा के, आप चाहे GT road के बाटा के showroom में चले जाओ, आपको price जो है वो same मिलेगा. ठीक है, लेकिन departmental store की जो प्राइस पॉलिसी है वो हर डिपार्टमेंट के लिए यूनिफॉर्म नहीं होती. अपना कई बारी जैसे क्रॉकरी है आपकी, वो आपको लगता है कि नहीं पुरानी होती जा रही है, तो उसके लिए आप क्लियरेंस सेल जो है वो ऑफर कर सकते हैं. ठीक है, सो लास्ट इज क्लास ऑफ कस्टमर्स. डिपार्टमेंटल स्टोर हाई इनकम ग्रुप को केटर करते हैं. मल्टीपल शॉप्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स को इंक्लूडिंग लोअर इनकम ग्रुप उनको वो करते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू इन थर्ड पीरियड नाउ विद इट. हाँ जी, इन डीमार्ट स्टाफ वियर्स यूनिफॉर्म. हाँ जी, हम यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे बेटे, यूनिफॉर्म प्राइस पॉलिसी की बात कर रहे हैं. यूनिफॉर्म मीन्स सिमिलर. ठीक है,